ये हैं चमनलाल जी, जिनके 2 बेटे और 1 बेटी है। इनका पूरा परिवार खुशहाल है और ये सबको ही खुश रखते हैं, किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं होने देते। तो आइए देखते हैं इनके खुशहाल परिवार की कहानी। सजरा है न्यारा दरबार ओ मैया शेरा वाली का। जय माता जी बाबूजी। जय माता जी बाबूजी। जय माता जी। तू बोलना। बाबूजी मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। किस लिए? बाबूजी दुकान का स्टॉक खत्म हो रहा है, हमें स्टॉक भरवाना था। लो, पुराने स्टॉक में जो पैसा कमाया उन पैसों को क्या किया? उन्हीं पैसे से नया स्टॉक क्यों नहीं भरवा लेते? बाबूजी वो हमने कुछ ग्राहकों को उधार में सामान दिया था, तो अभी तक उनकी पेमेंट आई नहीं। जैसे ही उनकी पेमेंट आ जाएगी हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। कितने चाहिए? सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए थे बाबूजी। बेटा नो, मैं चेकबुक ले आ रहा हूं बेटा। अभी आए बाबूजी। अरे गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है। लो बाबूजी, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। बाबूजी, क्या सोच रहे हैं आप? वो कुछ नहीं बेटा, बस वही सोच रहा था, अगर तेरी शादी से पहले मैं मर गया और तेरी शादी में कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो क्या होगा? क्योंकि तुम हो, कभी पैसा मांगते नहीं हो, जब मैं देता हूँ तो लेती भी नहीं है। बाबूजी, क्या सुबह सुबह आप ऐसी बातें करने बैठ गए? मरे आपके दुश्मन। और भला मुझे आपसे पैसे लेने की क्या जरूरत है? आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, दुनिया के साथ चलने के काबिल बनाया और आप मेरी हर इच्छा पूरी करते हो, तो फिर भला मैं आपसे पैसे क्यों मांगू? हाँ मेरे प्यारे बाबूजी। अभी बिस्किट दिया, तेरा पेट नहीं भरा? जो चॉकलेट चाहिए मारूंगा अभी। इस तरह बच्चों को समझाओगे? मैं तो बस इसे समझा रहा था कि चॉकलेट बुरी बात है। अरे बेटी तो हमारे घर के लक्ष्मी और पराये घर की अमानत होती है। इज्जत करना सीखो बेटी जात की। और हाँ, अपने बेटे को भी समझाइए, इज्जत करना सीखो बेटे की, उसको प्यार से पैसाओ। और हमारे बुढ़ापे में बेटे से ज़्यादा बेटी हमारी सेवा करेगी और हमारी इज्जत भी करेगी। सॉरी ताऊ जी, अब दोबारा कभी नहीं करूँगा। बाबूजी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या? बाबूजी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ठीक से? अरे 4 दिन पहले मैं 4 लाख रुपए दिया था, क्या क्या उन पैसों का? तो फिर से तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ गई। उसकी शादी करनी है, उसका घर बसाना है, सारे पैसे तुम दोनों को दे दूं तो फिर मैं करूँ क्या? और तुम निठालों के भरोसे मैं इनकी शादी नहीं करवा सकता। अब बहुत हो गया है, बहुत पैसे दिए मैं तुम दोनों को, अब तुम दोनों को देने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि तुम अपने पैरों पे खड़े रह सकते हो। सिर्फ पढ़ाने लिखाने से कोई अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता बाबूजी। आपको लगता है आपने हमें पढ़ा लिखा दिया और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी? वैसे भी आपने हमें पढ़ाने लिखाने के लिए बदला क्या? अगर आपने आज हमारे नाम पर कोई फिक्स डिपोजिट जमीन जायदाद रखा होता, आज हमें बार बार आपके आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। बस अब चुप रहो, एक शब्द मत बोल अपने मुंह से। तुम्हारी माँ ने बच्चों की जगह लगता है एक सांप को देख लिया। अगर मुझे मालूम होता तो उसी समय सर मारे मुझे अपने आप पर कि तुम दोनों आस्तीन के सांप बन के निकल आए हो। अरे बुढ़ऊ क्या किया हमारे लिए, तुम जैसे बाप होने से अच्छा है साला मर क्यों ना जाए। सही कहा। झुको। अरे बुढ़ऊ दिन भर बेटी बेटी करता है, खिलाएगी नहीं तुझे। बाबूजी 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 बाबूजी। ये है समाज का घिनौना सच। घर होगा शमशान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे बैर कर तू इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे झूठी दिखावे शान, है 2 दिन का राम नाम। ये लाश ऐसे नहीं जलेगी। राम नाम क्या ये मृतक श्रीमान चमनलाल जी है? हाँ? कौन है इसका वारी? कहाँ है इनके बेटे, इनके भाई, इनके रिश्तेदार? कहाँ है? कोई है इनका रिश्तेदार? आप कौन है? मैं चमनलाल का भाई हूँ। ओके, मेरा नाम है जीतन सिंह राय और आपके भाई साहब ने मरने के पहले मुझसे 10 लाख रुपए लिए थे। ये 10 लाख रुपए आप लोग चुका दीजिए और इस अर्थी का अंतिम संस्कार कर दीजिए बस। अरे भाई काहे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो, जो भी है इनका वारिस हम ही है यहाँ। हाँ भाई बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, आपका पैसा भी उनके साथ चला गया। ऐसे कैसे चला गया उनके साथ मेरा पैसा? बाप के मरने के बाद बेटे का अधिकार होता है तो बेटा चुकाएगा कर्ज। अरे बेटा फर्ज कैसे चुकाएगा, सभी लोग देख लो, बुढ़ऊ जंगिया और बनियान में छोड़ के चले गए, ये हालत हो गई हमारी। लगता है कि यह कर्म उधार मांग के करना पड़ेगा। कहां से लाऊं 12 लाख रुपया? हे प्रभु, ये 12 लाख रुपया मुझे दे देते तो मैं कोई जूता और पन्ही बेचने की दुकान खोल लेता। हेलो मिस्टर, आपने जो 12 लाख रुपए दिए थे क्या हमसे पूछ के दिए थे? भाई आज एकदम सही बात बोले हैं और ये बात पूरा गाँव जानता है कि बुढ़ऊ अपने दौलत में 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दिए हैं। उसमें से आप चले आए 12 लाख रुपया मांगने, वो भी तब जब बुढ़ऊ परलोक सिधार गए। तो इसका मतलब यह है कि आप में से कोई कर्जा देने वाला नहीं है। तो ठीक है, जब तक ये कर्जा नहीं चुकाया जाएगा तब तक ये लाश नहीं जलेगी। मैं लुटाऊंगी आपके सारे पैसे। कहां से लाएगी इतने पैसे? मैं लुटाऊंगी, मैं अपने सारे जेवरात गहने सब बेच दूंगी। अरे पगला गई है का? गहने दे देगी तो ब्याह कहाँ से करेगी? और यदि ये सोच रही है कि तेरा ब्याह हम लोग करेंगे तो इस भूल में मत रहना। तो आपका परिचय? मैं इनकी बेटी। ठीक है, ये चमनलाल की बेटी है, ये आप सब लोग जानते हैं। आप कर्जा लौटाएंगी? हाँ मैं लौटाऊंगी आपके सारे पैसे। वाह, ये है बेटियां, हम जिन बेटियों को पैदा होते ही मार डालते हैं, पैदा होने के पहले ही उनका गर्भ में गला घोट देते हैं, वो बेटियां हैं ये। देखिए, और ये नालायक बेटे हैं। ये फर्क है बेटी और बेटे में। आप सबसे मेरा निवेदन है कि प्लीज ऐसी बेटियों की सुरक्षा कीजिए, इन्हें गर्भ पर ना मारिए। और सच तो यह है कि ये बेटी अथवा ये चमनलाल मेरे कर्जदार नहीं थे, कर्जदार मैं था और रकम इतनी बड़ी थी कि उस रकम को देने के लिए मुझे एक ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए था जो उस रकम को संभाल सके। रकम थी पूरे 50 लाख और ये 50 लाख मैं एक ऐसे जिम्मेदार बच्चे को देने जा रहा हूं जो चमनलाल की बेटी के रूप में मुझे मिली है। तो साथियों, आज से आप लोग भी ये कसम खाइए कि बेटियां समाज के लिए वरदान है, ना कि अभिशाप। बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए।